क्या आकाशवाणी को बर्बाद करने का ठेका मिला है महानिदेशक को? आकाशवाणी का गला घोटो मत, दूरदर्शन की आंखें बंद ना करो। इस तरह की तख्तियां लेकर 31 जुलाई की दोपहर आकाशवाणी मुंबई केंद्र के मुख्य गेट के सामने आकाशवाणी कार्यक्रम अधिकारी और सहायक संचालकों ने प्रसार भारती की अन्यायकारी प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। 25 वर्षों से इन कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है। पदोन्नति सूची में आकाशवाणी महानिदेशक ने हेरा फेरी कर नियम विरुद्ध पदोन्नति की और वैकल्पिक व्यवस्था कर दी, जिसके विरुद्ध कुछ कर्मचारी अदालत की शरण में चले गए। न्यायालय ने इस पर त्वरित निर्णय लेकर उस पर अमल करने का आदेश दिया, फिर भी प्रसार भारती इस आदेश का अमल नहीं कर रही है। प्रमोशन की मांग के लिए देश भर के आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्रों के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन में इस समय देश भर में कार्यक्रम कर्मचारियों की संख्या अत्यंत कम हो गई है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उन पर काम का बोझ बढ़ रहा है और यही कार्यक्रम विभाग के असंतोष का कारण है। इस दौरान प्रसार भारती, जिन्हें प्रसारण क्षेत्र के कार्यों का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे राजस्व, फॉरेस्ट, सेल्स टैक्स, टेलीकम्युनिकेशन आदि विभागों के अधिकारियों को आकाशवाणी दूरदर्शन के वरिष्ठ पदों पर डेपुटेशन के रूप में पदस्थ कर रही है। क्या प्रशिक्षित और कार्यक्रम की समझ रखने वाले कर्मियों से परहेज कर रहा है आकाशवाणी महानिदेशालय? जहां एक ओर वर्षों के अनुभवी कैजुअल उद्घोषक कंपियर्स को बाहर कर अनुभवहीन लोगों को माइक थमाया जा रहा है, वहीं ऐसे विभागों से वरिष्ठ अधिकारी आयात किए जा रहे हैं जिनका रेडियो कार्यक्रमों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अनुभवी अधिकारियों को वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा है और वर्षों के अनुभवी कैजुअल अनाउंसर कंपियर्स को नियमित नहीं किया जा रहा है और कार्यक्रम विभाग के हजारों खाली पदों पर कार्यक्रम की समझ न रखने वालों को वरिष्ठ पदों पर बिठाकर आकाशवाणी का भट्टा बिठाने का कुचक्र रचा जा रहा है।